सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स कांड में एनसीबी ब्यूरो की माने तो रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट करती थी और यहां पर वो कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती थी अपनी मां संध्या चक्रवर्ती का मोबाइल फोन। खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के मामले में एनसीबी ने 4 सितंबर की सुबह रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और इसी के दौरान रिया चक्रवर्ती के घर से एक लैपटॉप भी जब्त किया था, जिसके मुताबिक रिया ने अपना दूसरा फोन ईडी को नहीं सौंपा था। इसका इस्तेमाल वो पर्सनली ड्रग चैट के लिए कर रही थी। खबरों के अनुसार रिया फोन पर कई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी थी। इसी के साथ बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला फार्म हाउस हैंगआउट की तस्वीरें और वीडियो एनसीबी की रेड के दौरान बरामद की गई। सुशांत सिंह ने ये फार्म हाउस किराए पर लिया था, जिसके लिए हर महीने सुशांत सिंह राजपूत 2.5 लाख रुपए किराया देता था। एनसीबी की माने तो इस फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी के साथ उनके दोस्त आकर पार्टी किया करते थे। इसके साथ बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के नाम भी सामने आए जो इस पार्टी में शामिल हुआ करते थे। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जब भी ड्रग पार्टनर से बात करती थी तो सिर्फ मां का फोन इस्तेमाल किया करती थी, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और कोई जानकारी ना मिले कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पार्टनर से कैसे कांटेक्ट करती थी। इसी के साथ जब एनसीबी ने रिया की मां का फोन जब्त किया और कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और सारी ग्रुप चैट, तब वो सामने आया सच। रिया चक्रवर्ती की घिनौनी साजिश कहा कि किस तरह अपनी मां के साथ मिलकर रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर्स के साथ करती ड्रग्स का देन। नेक्स्ट एनआई रिपोर्ट।